देवास जिले के खातेगांव पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। तस्करी करके ये शराब मनावर से शहडोल ले जाई जा रही थी। खातेगांव पुलिस को एक गाड़ी पर शक हुआ और उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। उस गाड़ी से शराब तस्करी की जा रही थी। खातेगांव TI विक्रांत झंझट और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की। दोपहर में वाहन चेकिंग के दौरान आयशर गाड़ी से करीब 1183 पेटी देसी शराब पकड़ी गई। शराब धार से शहडोल ले जाई जा रही थी। गाड़ी का ड्राइवर मंगेश गोस्वामी खुद नशे में था। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि इसमें से कुछ शराब की पेटियां उसने रास्ते में बेच दी हैं। जब्त शराब की कीमत 41,40,000 रुपए है। मैं इस समय खड़ा हूँ खातेगांव पुलिस थाना परिसर में। जिला पुलिस अधीक्षक देवास संपत उपाध्याय के निर्देशन में खातेगांव पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध वाहन नजर आया। जब उस वाहन को रोका गया और उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें लगभग 1183 अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई है। एक पेटी में लगभग 50 क्वार्टर, कुल 59,000 क्वार्टर इसी मेटर रोड से खातेगांव पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत वाहन को जब्त कर लिया है और चालक को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि मनावर से शहडोल की ओर ये मेटाडोर जा रही थी और इसमें ही शराब की अवैध पेटियां भरी हुई थी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।